तो दोस्तों फाइनली अजय देवगन की मूवी तानाजी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है और मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हो बॉलीवुड चैनल। आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी इस मूवी का काफी अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इतिहास में हमने जो पढ़ा था उसी स्टोरी को बहुत बाखूबी तरीके से पेश किया गया है। तो इसका स्टोरी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप इस मूवी को इंजॉय करोगे। डायलॉग, एक्शन और वीएफएक्स इस मूवी को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एक्शन काफी जबरदस्त है, डायलॉग काफी दमदार है, जहां भी डायलॉग की जरूरत पड़ती है इस मूवी में डायलॉग को बहुत जबरदस्त तरीके से पेश किया गया है। वीएफएक्स भी इस मूवी का काफी अच्छा है, यानी इस मूवी का जो एक्शन, डायलॉग, वीएफएक्स है वो इस मूवी का कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्टिंग की। तो अजय देवगन का एक्टिंग काफी जबरदस्त है और उन्होंने अपने काम को बहुत जबरदस्त तरीके से निभाए हैं। ऐसा कह सकते हो कि अजय देवगन ने उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए हैं जिनका नाम है तानाजी। वहीं सैफ अली खान का काम भी बहुत जबरदस्त है और इस मूवी से सैफ अली खान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है आगे चल के सैफ अली खान को बॉलीवुड में बहुत ज्यादा काम मिले। काजोल का सीन दोस्तों काफी कम है और मुझे काजोल इस मूवी में एवरेज लगी है। वहीं शरद करकर का काम बहुत जबरदस्त है इस मूवी में और उनका जो कैरेक्टर है आपको इस मूवी में बहुत ज्यादा पसंद आएगा और उनके कैरेक्टर को आप बहुत ज्यादा इस मूवी में इंजॉय करोगे। मूवी का डायरेक्शन बहुत जबरदस्त है क्योंकि दोस्तों जब रियल लाइफ पे मूवी बनती है या फिर कोई इतिहास पे मूवी बनती है तो उस मूवी का डायरेक्शन करना काफी मुश्किल होता है। मूवी का सीन जो है बिखर जाती है और मूवी आपको बोर करता है, लेकिन यहाँ पर ओम राउत जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से मूवी का डायरेक्शन किया है। मूवी आपको बहुत बढ़िया लगती है, मूवी का हर एक सीन आप इंजॉय करते हो। जब तक तानाजी आप स्क्रीन पे देखते हो तब तक इस मूवी को आप बहुत जबरदस्त तरीके से इंजॉय करते हो। लेकिन मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है अगर 10 मिनट कमा दिया जाता इस मूवी का तो मूवी का पेस और बढ़ जाती और बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से मूवी को स्क्रीन पे पेश किया जाता और पब्लिक बहुत ज्यादा एंजॉय करती। लेकिन दोस्तों आप फिर भी मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे और कहीं भी आपको मूवी लेंथी नहीं लगेगी और कहीं भी आप बोर नहीं होंगे, तो 10 मिनट से कोई भी आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी है, आप इस मूवी को एंजॉय करोगे। लेकिन मल्टीप्लेक्स के ऑडियंस को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हो सकता है सिंगल स्क्रीन के 10 से लेकर 20% ऐसे ऑडियंस हो जिनको हो सकता है ये मूवी पसंद ना आए, लेकिन ओवरऑल ये मूवी बहुत जबरदस्त है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये मूवी सबको पसंद आनी चाहिए और मैं इस मूवी को दूंगा 4 स्टार। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है फर्स्ट डे पे इसका कुछ भी कलेक्शन आए लेकिन सेकेंड डे एंड थर्ड डे पे इसके कलेक्शन पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों अगर आपने मूवी देख लिया है तो आपकी इस मूवी को लेकर राय क्या है अपनी राय कमेंट सेशन में जरूर दें और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।